नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। 12 जुलाई की तारीख देवघर के इतिहास में सुनहरे अक्षर से लिखा जाने वाला है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री देवघर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का जैसे ही उद्घाटन करेंगे, वैसे ही हवाई मार्ग के नक्शे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान सेवा यहां से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियाँ अंतिम चरण पर हैं। SPG की देखरेख में सारी तैयारियां हो रही हैं। देवघर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं करेंगे, बल्कि एम्स परिसर में बने 250 बेड का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सहित 1,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बाबा मंदिर जाएंगे, यहाँ लगभग 20 मिनट तक बाबा बैजनाथ की पूजा करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर तक प्रधानमंत्री द्वारा रोड शो किया जाएगा। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह सीधे देवघर कॉलेज जाएंगे, जहां उनके द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया जाएगा। आम सभा को संबोधित करने के लिए 1,00,000 स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 10,000 से अधिक पुलिस बल को PM के कार्यालय कार्यक्रम में लगाया गया है। लगातार वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री और क्या सौगात झारखंड वासियों को देते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।